दोस्तों, कैसे हुआ महारथी कर्ण का जन्म? दोस्तों, महाभारत में कर्ण का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कर्ण का जन्म कैसे हुआ यह कथा बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या से, पांडु धनुर्विद्या से तथा विदुर धर्म और नीति से निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी ना बन सके और विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार के राजकुमारी गांधारी से कर दिया और गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उनका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। दोस्तों, उन्हीं दोनों यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर क्या करती। एक बार दुर्वासा ऋषि वहां आए और कुंती ने उनके भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मन प्रदान कर चले गए। एक दिन कुंती ने इस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा कि हे देव, मुझे आपके किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही इसका जप किया था। कुंती के इन वचन को सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता, मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश बात किसी को नहीं कही। समय आने पर उसके गर्भ में कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रख दिया और रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसकी गोद में लिया और उनका लालन पालन करने लगे। कुमार अवस्था में ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ दाचार्य द्रोण से मिले, जो समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को ही शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असहमति के उपरांत कर्ण ने परशुराम को संपर्क किया जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा ग्रहण की। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निष्पात किया। अंक सहले ना कि किसी ब्राह्मण में, और परशुराम ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उसकी शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस दिन वह उसे काम नहीं आएगी। कर्ण जो स्वयं नहीं जानता था कि वह किस वंश था, उसने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उनके स्थान पर यदि कोई शिष्य भी होता तो वह भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोध व श्राप देने पर उन्हें ग्लानी हुई, पर वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे आशीर्वाद दिया कि वस्तु मिलेगी जो सर्वाधिक चाहता, अमित प्रसिद्धि। कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे जो अपनी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। दोस्तों, परशुराम के आश्रम में जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा और इसी दौरान शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वनीय पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। उस गाय के स्वामी ने ब्राह्मण कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है वैसे एक दिन भी वह भी उसी समय मारा जाएगा जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। इस प्रकार कर्ण परशुराम का अत्यंत पराक्रमी और निपुण शिष्य बना। कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहता था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया
और रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्या प्रणायित की। दोस्तों, कर्ण सच में बहुत ही पराक्रमी और महाशक्तिशाली था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।